हाय स्कूल के मेंबर्स, व्हाट्स अप। इफ यू लव समवन देन तुम जानते हो कि रिलेशनशिप्स की पहला साल बहुत ही अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छे फ्लो में जाता है, रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद ही रिलेशन धीरे धीरे खराब होते जाता है। रिलेशन में झगड़ा होता है, लड़ाई स्टार्ट होता है और ब्रेकअप्स के करीब जा चुके होते हैं, और 95% रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है। वो सब छोड़ो, पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम जान गए कि ऐसा क्यों होता है तो हम उसको रोक सकते। हमारे अंदर एक लव टैंक रहता है, वो लव टैंक फील होने से हम लव महसूस करते, और वो लव टैंक खाली हो तो हम लव महसूस नहीं करते, उसके बाद ही झगड़ा स्टार्ट होता है। तो बात यही पे आ गया कि वो लव टैंक भरना है। उसके बाद ही सवाल आता है कि लव टैंक कैसे भरा जाए। जैसे हमारा मदर लैंग्वेज है, वैसे लव का भी एक लैंग्वेज होता है जिसे हम लव लैंग्वेज कहते हैं, और इसका 5 तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर तुम उसे लव महसूस करवाना चाहते हो, ये लव लैंग्वेज तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि लव टैंक सिर्फ और सिर्फ लव लैंग्वेज से ही भरा जाता है, और उसके लिए तुम्हें लव लैंग्वेज को जानना पड़ेगा, क्या लैंग्वेज है वो जानना पड़ेगा। रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स जरूरत है, डिसिप्लिन बहुत जरूरत है, और उसके बाद आता है लव लैंग्वेज सीखना, एक दूसरे का लव लैंग्वेज जानना, क्योंकि लव लैंग्वेज से तुम उसका लव टैंक बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी भर सकते हो। नंबर 1 लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स, लाइक तुम्हारे आंखें कितना सुंदर है, आई बेट कि भगवान ने बहुत ही मेहनत किया होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखें बनाने के लिए। ये तुम्हें नौटंकी लग रहा है, तुम्हें ये सब नौटंकी नहीं पसंद है तो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर का लव लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स है तो तुम दूसरे तरीकों से उसका लव टैंक भर नहीं सकते हो। लव लैंग्वेज नंबर 2, गिविंग गिफ्ट्स। मेरे पास खुद का पैसा नहीं, जहर खाने का सारा पैसा नहीं, गिफ्ट बोला मैंने, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं बोला, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, गिफ्ट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे तो रास्ते से जाके एक फूल तोड़ के उसको दे दो, देखो वो छोटी सी फूल लेकर कितना खुश महसूस करेगा, उसका लव टैंक कितना जल्दी भरेगा, ट्राई करके देखो। लव लैंग्वेज नंबर 3, गिविंग टाइम। तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने कभी ये बोला है, तुम तो हमेशा बिजी रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है, हर वक्त बिजी रहते हो, दूसरों के साथ बात करो, मुझसे क्या मिला। ऐसे अगर तुम करते हैं तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड का लव लैंग्वेज शायद गिविंग टाइमिंग है। उसको टाइम दे तो देख, उसको टाइम गिफ्ट करो, 24 घंटे से कुछ टाइम उसके लिए निकाल के रख दो। जिस टाइम तुम ना अपने मोबाइल से, ना अपने लैपटॉप से, यानी कि ना टीवी से जुड़े हो, सिर्फ और सिर्फ उससे कनेक्टेड हो, बस कुछ टाइम, कुछ देर उससे बात करो, देखो वो बहुत ही खुशी महसूस करेगा। तुम बिजी हो सकते हो लेकिन थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा अगर तुम उसका लव टैंक भरना चाहते हो। लव लैंग्वेज नंबर 4, फिजिकल टच। इट्स द पावरफुल लव लैंग्वेज। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है वही फिजिकल टच, किस हो सकता है, हग हो सकते हैं, हाथों पे हाथ रख के बातें भी हो सकता है, ये सब इंक्लूडिंग है, और ये एक बहुत ही पावरफुल लव लैंग्वेज है जो आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। और तुम अगर ये सब करने से शर्माते हो तो यू शुड लर्न दैट। फाइनली नंबर 5, डूइंग सर्विसेस। उसका हेल्प करना, उसका हेल्प करने का ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई। अगर तुम्हारा पार्टनर का लव लैंग्वेज यही है तो तुम्हें हेल्प करना होगा, सिर्फ दिखावे करो या फिर ट्राई करो, तुम वो काम नहीं कर सकते लेकिन ट्राई करो, बस इट्स इनफ टू फील दैट लव टैंक। 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में तो जान लो, लेकिन तुम्हारा पार्टनर का क्या लव लैंग्वेज है ये तुम कैसे जानोगे। इट्स वेरी सिंपल, ऑब्जर्वेशन। रिसर्च बताता है कि तुम्हारा पार्टनर जिस तरीके से तुम्हें लव शो करता है, तुम्हारे लव टैंक भरना चाहता है, तो उसका लव लैंग्वेज वही है,
जो तरीका वो यूज करता है वही इस उसी का लव लैंग्वेज होता है, ये ज्यादातर होता है। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम्हें वो किस तरह से खुश रखना चाहता है। अगर तुम इन लव और रिलेशनशिप्स में हो तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा और तुम्हारे पार्टनर को भी सीखना पड़ेगा। तो ये वीडियो अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दो और मेरा वीडियो अच्छा तो लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल का कंटेंट विजिट करो। अगर कंटेंट अच्छा लगा देन चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं हर संडे लड़कों के लिए कुछ एक्साइटिंग वीडियोस लाता हूँ। सो एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। माँ माँ भाद बाड़ो।